नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो आज फिर से मैं आ चुका हूँ एक नए अपडेट को लेकर। तो पोषण ट्रैकर में फिर से नया अपडेट आ चुका है और वो अपडेट ये है कि जो भी गर्भवती महिला है उनको स्तनपान कराने वाली माताओं में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसी के ऊपर ये अपडेट आया है। तो इस अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जिन्होंने कमेंट कर पूछ रही थी पहले कि गर्भवती महिला को स्तनपान कराने वाली माताओं में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है, अब वो लोग गर्भवती महिला से स्तनपान कराने वाली माताओं में ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट और है मेरी, मेरा जो चैनल है उसमें 90% लोग सिर्फ मेरे चैनल पे और वीडियो देख रहे हैं। तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जो भी नया अपडेट आए मैं आप सब तक शेयर करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। तो आप सभी को पोषण ट्रैकर में क्या क्या नया अपडेट आया है उसके लिए जानने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च के ऑप्शन में आपको पोषण ट्रैकर लिख के सर्च कर देना है। फिर जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इस पर अपडेट कर देना है। तो चलिए मैं आपको अपडेट करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये अपडेट का ऑप्शन तो हमने क्लिक कर दिया है, ये अपडेट हो रहा है। थोड़ा देर वेट करते हैं। तो अपडेट होने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अपडेट हो चुका है। अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पे हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे व्हाट्स न्यू में हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें क्या नया जुड़ा है उसके बारे में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपने मोबाइल नंबर और एम पिन डाल के लॉगिन हो जाइएगा। हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से अपने लैंग्वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। तो मैंने यहाँ पे हिंदी कर लिया है। हिंदी करने के बाद यहाँ पे गर्भवती का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या करना है, गर्भवती महिला से स्तनपान कराने वाली माताओं में हमको ट्रांसफ़र करना है। तो हम लोग गर्भवती महिला का लिस्ट ओपन करेंगे। लिस्ट ओपन करने के बाद हम लोग देखेंगे किनका जो है कि गर्भवती महिला में से स्तनपान कराने वाली माताओं में ट्रांसफ़र करना है, उनका नाम ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अंजू देवी, वाइफ ऑफ छट्टू पटेल। तो सिंपली हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, माइग्रेट प्रोफाइल। तो माइग्रेट प्रोफाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एन अबॉर्शन, तो उस महिला ने अबॉर्शन किया है तो यहाँ पे इसको टिक करेंगे, नहीं किया है तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टील बर्थ का ऑप्शन पूछ रहा है और मिस कैरेज, तो दोनों एक ही है। तो स्टील बर्थ यानी कि बच्चा अगर मरा हुआ पैदा होता है उस स्थिति में यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, वरना इसको ऑफ ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ हम लोग को डिलीवरी की तारीख में जब बच्चा जन्म हुआ है उसका यहाँ पर तारीख लिख देंगे, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है। तो यहाँ पे 1/5/2021, तो यहाँ पे डेट डालने के बाद यहाँ पे माइग्रेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम लोग को इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम लोग माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपसे पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू माइग्रेट दिस बेनिफिशियरी रिकॉर्ड इनटू द लैक्टेटिंग मदर्स कैटेगरी। तो ये पूछ रहा है कि आप श्योर हैं, कंफर्म है कि इसको गर्भवती महिला से स्तनपान कराने वाली माताओं में ट्रांसफ़र करना है। जो इसमें हम लोग ठीक पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऐसा पेज आ जाएगा, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ 0 से 6 महीने के बच्चे वाले कैटेगरी ओपन हो जाएगा। तो हम लोग इसमें सिर्फ नाम और इसमें नाम लिखेंगे, आधार संख्या है तो लिखेंगे, और पिता और माता का नाम और फिर से मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद इसको एंट्री कर देंगे, यहाँ पे डिटेल्स भरने के बाद इसको रजिस्ट्रेशन कर देंगे।
तो चलिए हम लाभार्थी का नाम लिख देते हैं, यानी कि बच्चे का इसमें नाम लिखेंगे। तो बच्चे का नाम है सीमा कुमारी, तो सीमा कुमारी उस बच्ची का नाम है। तो उसके बाद यहाँ पर आधार संख्या नहीं है और स्वास्थ्य आईडी भी नहीं है, जन्म की तारीख डाल चुके हैं और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, लिंग अगर बच्चा है तो मेल और बच्ची है तो फीमेल, तो यहाँ पे फीमेल पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे माता का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लाभार्थी के माता या पिता किसी का भी मोबाइल नंबर डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे का जन्म का समय का वजन लिख देंगे, जब बच्चे का जन्म हुआ है तो यहाँ पे किलोग्राम में पूछ रहा है तो 3.5 यानी कि 3.5 किलो का बच्चा जन्म लिया था। उसके बाद यहाँ पे जन्म ऊंचाई इकाई में भरना है तो इंच में सेलेक्ट किए तो इंच में भरेंगे और सेंटीमीटर में सेलेक्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में भरेंगे। तो मैं यहाँ पे इंच में सेलेक्ट किया हूँ तो बच्चे का ऊंचाई यहाँ पे इंच में 20 इंच यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली यहाँ पे रिकॉर्ड एड हो चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो बच्चे का 0 से 6 महीने में ऐड किया है यहाँ पे ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सीमा कुमारी डॉटर ऑफ छठू पटेल यहाँ पे ऐड हो चुका है। और देख लेते हैं कि जो गर्भवती महिला से स्तनपान कराने वाले माताओं में ट्रांसफ़र किए हैं तो उसको यहाँ पे चेक करेंगे तो अंजू देवी वाइफ ऑफ छठू पटेल, तो ये भी इसमें ऐड हो चुका है। उसके बाद एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसको आप लोग कैसे इसमें से डिलीट करेंगे, तो वो ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करे पे जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे में जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड किया हुआ है, देख सकते हैं क्या लाभार्थी की मृत्यु हो गई है। तो अगर किसी भी स्थिति में अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है स्तन कराने वाली माताओं का, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली टिक पे क्लिक करके आप लोग सबमिट करेंगे तो ये लाभार्थी इस पोषण ट्रैकर ऐप से डिलीट हो जाएगा। तो ये भी अपडेट अच्छी है कि जो भी अगर किसी स्थिति में मृत्यु हो जाती है लाभार्थी की तो इसमें से आप लोग डिलीट कर सकते हैं। तो यही था आज का अपडेट जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर समझा दिया है। तो आप सभी को ये अपडेट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसमें अनाथ बच्चों का एंट्री कैसे करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।